नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसा मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां विघ्नं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु शाश्वतं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय आनंदात्मने अपनी छान में गाथा हो गई थी। अब आज गाथा नंबर 97। दो प्रकार के अस्तित्वों में स्वरूप अस्तित्व का कथन 96 नंबर की गाथा में किया। इसके बाद 97 नंबर की गाथा में अब यह मैंने नीचे अनुसार सादृश्य अस्तित्व का कथन है। तो गाथा पढ़ेंगे पहले। इह विह लखणानम लखण मेघम सदिति सवगयम उवदी सदा खलु धम्मम जिणवर वसहेण पर्णतम विद विद लक्षणिनो सर्वगत सत्व लक्षण एक छे एर धर्म ने उपदेश ताजिनवर व्रसब निर्दिष्ट छे। देखिए क्या कहते हैं यहां पे कि धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए जिनवर वृषभ ने इस विश्व के विविध लक्षण वाले यानी भिन्न भिन्न स्वरूप अस्तित्व वाले सर्व द्रव्यों का सत ऐसा सर्वगत लक्षण सादृश्य अस्तित्व एक कहा है। बहुत ही अद्भुत है। देखो पहले तो जिनवर वृषभ मैंने जिनवरों में श्रेष्ठ किन्ने उपदेश दिया ये तो उनने कहा कि जिनवर वृषभ मैंने जिनवरों में श्रेष्ठ ऐसे जो होते तीर्थंकर। क्योंकि जिनवर वृषभ शब्द है उसमें से तीन अर्थ निकलते हैं। वृद्धद्रव्य संग्रह में गाथा आई है पहले नंबर की गाथा जीवम जीवम दब्वम जिनवर वसहेण जैन निदिठम है ना। ये तो उस गाथा जिनवर वसहेण ये शब्द आया ना तो उसमें से ब्रह्मदेव सूरी ने तीन अर्थ निकाले जिन जिनवर और जिनवर वृषभ। ये बहुत समझने का प्रकरण है। ये भी द्रव्य संग्रह की है और चूंकि ब्रह्मदेव सूरी की टीका है तो उन्होंने कहा कि जिनवर वृषभ मूल शब्द है तीर्थंकर के लिए। जिनवर वृषभ वृषभ माने कोई आदिनाथ भगवान के अर्थ में नहीं है, वो तीर्थंकर के अर्थ में सारे तीर्थंकर वृषभ कहलाते हैं श्रेष्ठ। तो उन्होंने कहा कि जिनवर वृषभ माने तो हो गए जिनवर वसहेण माने जिनवर वसहेण माने हुए जिनवर वसहेण ये हुए तीर्थंकर। तीर्थंकर क्यों सामान्य केवली क्यों नहीं? सामान्य केवली में दिव्य ध्वनि की अनिवार्यता नहीं है और तीर्थंकरों में दिव्य ध्वनि की अनिवार्यता है। तो उपदेश दिव्य ध्वनि से हुआ। उसके बाद जिन जिन ये जिनवर वृषभ उसके बाद उसका वो तोड़ो तो आया जिनवर। जिनवर में मुख्य रूप से लिए गणधर देव मुनिराज भी आते हैं लेकिन मुख्य रूप से गणधर देव क्योंकि उनके द्वारा द्वादशांग की रचना होती है तो उनको कहा जिनवर है ना। ये जो अपन भगवान के लिए जो जिन शब्द का प्रयोग करते हैं ना जिन शब्द का ये बहुत संक्षिप्त रूप है। वास्तव में भगवान तीर्थंकर को जिनवर वृषभ इतना लंबा नाम है। अब इतना लंबा कौन बोले तो अपन जिन शब्द में काम चलाते हैं और जिन शब्द का जो उच्चारण किया है कि जिन तो जिन शब्द में उन्होंने लिया
कि जिसने मिथ्यात्व और अनंतानुमंदी कषाय को जीता है, ऐसा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा पांच, वो तो मुख्य रूप से वो, यानी चौथे गुण स्थान वाले को कहेंगे जिन, मुनि गणधर देव को या मुनिराज को कहेंगे जिनवर, और तीर्थंकर परमात्मा को, केवली परमात्मा को कहेंगे जिनवर व्रसम। इससे किस बात की, अच्छा इसमें एक बात और कि जो जिन संज्ञा है गोमट सार के हिसाब से दूसरे गुणस्थान से भी लागू हो जाती है। तो दूसरे गुणस्थान से किस अपेक्षा से, कि एक बार कोई चीज चौथे गुणस्थान में आया और चौथे गुणस्थान से गिर गया, क्योंकि दूसरा और तीसरा गुणस्थान गिरती हुई दशा में आता है, तो चौथे गुणस्थान से गिर गया और अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि पहला गुणस्थान आ जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ, वहां से भी संज्ञा लागू होती है। ऐसा इसमें से क्या निष्कर्ष निकला, कि इसमें से यह निष्कर्ष निकला कि जो आजकल हवा चलती है ना कि ये पंडितों का कहा हुआ नहीं मानना चाहिए, आचार्यों के ही शास्त्र होना चाहिए, तो ही पढ़ना चाहिए, तो ही मानना चाहिए, और मुनिराज सूर्य मंत्र दे प्रतिमा को तो ही प्रतिमा पूज्य है, बाकी तो प्रतिमाएं स्टेच्यू है, ये जो हवा चल रही है आजकल, तो इस हवा का समाधान इसमें होता है कि चौथे गुणस्थान से लगाकर तेरहवें गुणस्थान तक के सारे ज्ञानी जिनको उपदेश का योग है, जिनको वचन वर्गणा का योग है, वो सब उस परंपरा में आते हैं। जीवम जीवम दव्वम जिन वर वस हेण जैन निदिठम, और ये द्रव्य संग्रह नेमिचंद सिद्धांती देव ने लिखी है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि यह प्रामाणिक ग्रंथ है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं क्या, लोगों को अपने को पुजवाने का भाव रहता है और किसी को नीचा दिखाने का भाव रहता है, तो ये सब ड्रामेबाजी चलती है ना, ये सब है। जिन तो संज्ञा है, लेकिन उपदेश का योग है कि नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जिन संज्ञा तो चौथे गुणस्थान से हो जाएगी, जिन संज्ञा तो चौथे गुणस्थान से हो जाएगी। श्रुत केवली कहा है नौवीं दसवीं गाथा में, जिसने अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को जाना वो श्रुत केवली है। अब सामान्य तौर से श्रुत केवली का क्या अर्थ होता है, द्वासांका पाठी, लेकिन वो एक रूढ़िगत अर्थ है। अध्यात्म क्षेत्र में श्रुत केवली माने श्रुत ज्ञान में जिसने केवल आत्मा को जाना, उसका नाम श्रुत केवली। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि हम भी श्रुत केवली हैं। तो क्या अमृतचंद्र आचार्य को पता नहीं था कि भद्रबाहु तो कुंद आचार्य के भी पहले हो चुके, अंतिम श्रुत केवली, वो द्वादसांग के पाठी श्रुत केवली है, वो तो एक सामान्य व्यवस्था है। लेकिन जब अध्यात्म की शैली में अपन लोग आते हैं, अध्यात्म में क्या है भाई, आत्मा को जानना प्रयोजन है। द्वासांग को जान करके क्या जानना तुमको, आत्मा को जानना, और आत्मा नहीं जाना तो 11 अंग नौ पूर्व का पाठी भी अज्ञानी है, और 11 अंग नौ पूर्व से अधिक का ज्ञान अज्ञानी को नहीं हो सकता। और जिसको द्वादसांग का ज्ञान होगा उसको तो आत्मा का ज्ञान होता ही होता है, और आत्मा का ज्ञान हो और कदाचित द्वादसांग का ज्ञान नहीं भी हो तो भी द्वादसांग में कहने का प्रयोजन क्या था, पूरे द्वादसांग का प्रयोजन क्या था, कि पूरे द्वादसांग का प्रयोजन आत्मज्ञान था, तो वो आत्मज्ञान उसने कर लिया तो पूरा सार उसमें आ गया, है ना। तो ये इन मुद्दों पे बहुत चर्चाएं हो चुकी है। देखो अगर इसमें देखना है तो देख लो 33 नंबर की गाथा निकालो इसमें से। हाँ जी, केवली होते हैं ना, इसलिए मुख्य रूप से तीर्थंकरों को तो दिव्य ध्वनि का नियम होता है ना। वैसे केवली परमात्मा सभी जिनवर वृषभ हो गए, लेकिन दिव्य ध्वनि की अपेक्षा लें तो केवली परमात्मा को, क्योंकि उपदेश की बात चल रही ना, तो उपदेश की बात चल रही इसलिए तीर्थंकर लेने का इसलिए लिया है, क्योंकि तीर्थंकर तो नियम से उपदेश देते हैं, उनकी नियम से दिव्य ध्वनि खिड़ती है, औरों की दिव्य ध्वनि का कोई नियम नहीं है। मुंह केवली की नहीं खिड़ती, अंत्यकृत केवली, सीधे केवल ज्ञान हुआ, उपसर्ग हुआ था, और उपसर्ग होने के बाद इधर केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होते ही तुरंत मोक्ष में चले गए, तो नहीं भी खिड़ती ऐसा। अभी निकाल 33 में गाथा निकाल लो, 33 निकालो देखो 33 गाथा। हाँ जी, हाँ निकालो देखो,
मैंने ये कोई ये जो भी बात चलती है कोई घर की बात नहीं है, ये सब आगम में लिखी है, लेकिन अभी पढ़ने का तो खुद को पड़ेगा, है ना। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया लिखा, हाँ, और इसके मैं इतने प्रमाण आपको दे सकता हूं, 142 गाथा समय सार की देख लेना, इतने प्रमाण पंडित दीपचंद जी ने तो लिखा कि आप्त पना चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी एक देश आप्त बोला है, और उसका प्रमाण है सटखंडागम की पहली पुस्तक में एक प्रश्न उठाया कि रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त ही आप्त है। क्या कहा? रत्नत्रय की पूर्णता जिनको हो गई कि वही आप्त है, जिनमें रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई अभी कि वे आप्त नहीं हो सकते। तो वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि जिसके एक देश में जो नहीं है, महावीर जी, जिसके एक देश में जो नहीं है उसकी पूर्णता में भी वो नहीं हो सकता। तो अगर तुम रत्नत्रय के एक देश में आप तो पना नहीं मानोगे तो रत्नत्रय की पूर्णता भी आप तो नहीं हो सकती। ये वीरसेन स्वामी के वचन है। अब क्या है, समाज को स्वाध्याय करनी नहीं है ना, और बाहर का वेश देख करके, बाहर की जो बोली की चमक दमक देख करके और नोटों की खनक देख करके लोग ऐसे फिसलते हैं कि जो कहे कि ठीक है, क्योंकि पढ़ना है नहीं, बुद्धि लगानी नहीं अपनी किसी को, बुद्धि सबने गिरवी रखी हुई है, तो जो बोल दिया वो मान लिया बस। जिनवाणी पढ़े और उसके बाद निर्णय करो ना। मैं तो सूर्य मंत्र के बारे में तो मैंने चैलेंज दिया था, मैंने कहा जिसकी दम है चर्चा करे आकर के, कि मुनिराज सूर्य मंत्र दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, मैंने कहा जिसकी दम हो मेरे से चर्चा कर ले। ये चैलेंज व्हाट्सएप पे दिया था खुले में, क्योंकि हमने कम से कम 5-7 प्रतिष्ठा पाठ देखे इस बारे में, महावीर जी 5-7 प्रतिष्ठा पाठ पढ़े और पढ़ने के बाद इतनी दम से बोलते हैं। किसी प्रतिष्ठा पाठ में यह नियम नहीं है कि मुनिराज सूर्य मंत्र दे, बल्कि दे ही नहीं सकते, दे नहीं, ये नहीं है बात, दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? पंच कल्याण प्रतिष्ठा आरंभ सारंभ की क्रिया है, आरंभ समारंभ की क्रिया है पंच कल्याण प्रतिष्ठा, समझ में आ गया? तो आरंभ समारंभ की क्रिया में मुनिराज अगर जुड़ते हैं तो मुनिराज नहीं है, वो ग्रस्त है, लौकिक जन है वो। दूसरा, अंकन्यास की विधि सूर्य मंत्र की विधि कभी होती है? नहीं, केवल ज्ञान कल्याणक के पहले, ठीक है। और किसी भी तीर्थंकर से कोई भी मुनिराज केवल ज्ञान कल्याणक के पहले नहीं मिलते, दीक्षा के समय दीक्षा की विधि होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते मुनिराज उनके साथ, मुनिराज नहीं मिलते ग्रस्त दशा में। अरे मुनि दशा में भी जब केवल ज्ञान होगा तो मुनिराज उनके समोसरण में होते, क्योंकि तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता, प्रतिष्ठाचार्य मुनिराज को दीक्षा देता नहीं है वहां पे, तीर्थंकर को दीक्षा नहीं देता, दीक्षा की विधि दिखाने का दायित्व उस पर होता है ना। उन्होंने लिखा कि ये प्रतिष्ठाचार्य देता है, क्योंकि आचार्य अलग अलग, देखो विवाह कराने वाले को बोलते हैं ग्रस्ताचार्य, पूजा विधान कराने वालों को बोलते हैं विधानाचार्य, प्रतिष्ठा कराने वालों को बोलते हैं प्रतिष्ठाचार्य। तो गर्भ से लेकर के मोक्ष तक की सारी क्रियाएं तो प्रतिष्ठाचार्य करावे, और सूर्य मंत्र मुनिराज दे, ये कहां का नियम है? दूसरा, पंच कल्याण की तिथियां निश्चित है, कोई भी तिथि होगी निश्चित होगी कि नहीं होगी, किस तारीख से इस तारीख तक में पंच कल्याणक होगा। मुनिराज का विहार कभी भी बंधी हुई तिथियों में नहीं होता, मुनिराज अनियत विहारी होते हैं। जब चरणानियोग चूलिका पढ़ोगे तब इसमें आएगा कि अनियत विहारी माने मुनिराज का विहार कब कहां होगा। अरे औरों को तो छोड़ो, मुनिराज को पता नहीं होता, जब जहां का विकल्प आया चल दिए। और अगर आप किसी कार्यक्रम से बंध गए तो आपको उस नियत तिथि पर विहार करना पड़ेगा, आप अनियत विहारी नहीं रहे, आपका विहार उद्दिष्ट विहार हो गया, आप किसी उद्देश्य के लिए विहार कर रहे हैं। खाली तीर्थ वंदना का विकल्प आवे, गुरु के पास जाने का विकल्प आवे, जिनालयों के दर्शन का विकल्प आवे तो मुनिराज चलते हैं, बंधे थोड़ी किसी से मुनिराज, गुलाम थोड़ी है समाज के मुनिराज के, वो तुम्हारा ये काम मुनिराज को करके देना पड़ेगा, ऐसा ये समय खोल के कोई पड़ता नहीं।
अभी देखो दे नहीं सकते। अभी यहां जो बात देखो, इसमें जो लिया है थोड़ा देखो, ये जो प्रकरण जो अभी बात आई ना, मैं इसलिए आपको आगम प्रमाण इसलिए बता रहा हूं कि कोई ये नहीं समझे कि ये सब मन की ठोकते रहते हैं अपनी अपनी। तो देखो इसमें कि अब केवल ज्ञानी को और श्रुत ज्ञानी को अविशेष रूप से दिखाकर, अविशेष माने कोई अंतर नहीं है दोनों में, ऐसा दिखाकर विशेष आकांक्षा के क्षोभ का क्षय करते हैं। अर्थात केवल ज्ञानी में और श्रुत ज्ञानी में अंतर नहीं है ऐसा बतलाकर विशेष जानने की इच्छा के क्षोभ को नष्ट करते। अभी पढ़ो इसकी टीका, ये टीका 1000 साल पहले की लिखी हुई अमृतचंद्र आचार्य की। देखो अब यहां देखो, जैसे उदाहरण दिया है, जैसे भगवान है ना, और उसके बाद 4 लाइन छोड़ करके उसी प्रकार हम भी क्या कहा, किससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, भगवान से। जैसे भगवान अपने देखो इसका संक्षिप्त सार तो समझ लो कि भगवान अपने केवल ज्ञान से अपने आत्मा को जानते हैं इसलिए केवली है। क्या कहा, क्या कहा नरेंद्र जी, भगवान अपने केवल ज्ञान से अपने आत्मा को जानते हैं इसलिए वे केवली हैं, और हम माने श्रुत ज्ञानी सम्यक दृष्टि, हम अपने श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा को जानते हैं इसलिए श्रुत केवली हैं। अब इसमें अंतर क्या, कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर है प्रत्यक्ष और परोक्ष का, लेकिन जिस आत्मा को केवली भगवान जानते हैं, जैसा आत्मा उनको जानने में आता है वैसा ही आत्मा श्रुत ज्ञानी को जानने में आता है। इसके लिए एक उदाहरण कि एक गरीब बालक है, और उस गरीब वो गरीब बालक भी समझ लो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, और एक किसी करोड़पति पिता का पुत्र है और वो भी 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब गरीब बालक के पास घर में बल्ब की व्यवस्था नहीं है मान लो, तो वो क्या करता है कि गवर्नमेंट का जो म्युनिसिपैलिटी का जो ये जो रोड लाइट होती है ना, उस रोड लाइट के प्रकाश में पुस्तक पढ़ता है, और करोड़पति का बेटा एसी रूम में बढ़िया मरकरी के प्रकाश में या ट्यूबलाइट के प्रकाश में 8वीं क्लास की किताब पढ़ता है। बोलो किताब में क्या अंतर है ये बताओ जरा, कि एक पढ़ता है उस एसी रूम में ट्यूबलाइट के प्रकाश में और एक पढ़ता है रोड लाइट के प्रकाश में, लेकिन किताब में क्या अंतर है। तो वो कहते हैं हम केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं, वो कहते हैं हम श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं, लेकिन आत्मा को तो एक जैसा ही जानते हैं, तो इसलिए कहते हैं हम केवली हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं हम भी श्रुत केवली हैं, ये कह रहे हैं यहां पे। देखो अभी जैसे भगवान युगपत परिणमन करते हुए समस्त चैतन्य विशेषणों युक्त केवल ज्ञान के द्वारा, बस इतना अंतर है कि भगवान का केवल ज्ञान कैसा है कि भगवान के केवल ज्ञान में उनके सारे चैतन्य विशेषण युगपद प्रवर्तन करते हैं, और श्रुत केवली का कैसा है कि उसी प्रकार हम भी क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्य विशेषणों से युक्त श्रुत ज्ञान के द्वारा, माने चारित्र में अभी हमारी अपूर्णता है, वीर्य गुण में अपूर्णता है, ज्ञान गुण में अपूर्णता है, योग गुण में अपूर्णता है, समझ आ गया नहीं आ गया। और भगवान का ज्ञान पूरा, भगवान का दर्शन पूरा, भगवान का वीर्य गुण पूरा है ना, ये अंतर है। लेकिन कैसे आत्मा को जानते हैं केवल ज्ञानी और कैसे आत्मा को जानते हैं श्रुत ज्ञानी, अब वो देखो कि अनादि निधन निष्कारण असाधारण स्वसंवेद्यमान चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चैतक स्वभाव से एकत्व होने से केवल अकेला शुद्ध अखंड है, ऐसे आत्मा को आत्मा में आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है, क्या लिखा, अकेला कैसे आत्मा को, कैसे आत्मा को, वो विशेषण जो केवल ज्ञानी के लिए विशेषण दिए, केवल ज्ञानी जैसे आत्मा को जानते हैं, तो जो विशेषण केवल ज्ञानी को दिए, केवल ज्ञानी जिस आत्मा को जानते हैं उस वही विशेषण श्रुत ज्ञानी में दिए। देखना कि देखो फिर से एक बार पढ़ता हूं, अनादि निधन
केवल ज्ञानी कैसे आत्मा को जानते हैं, यानी आत्मा को कैसा जानते हैं, कि अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान, चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव से एकत्व होने से अकेला, मैंने केवल यानी अकेला शुद्ध अखंड है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली है। आ गया? उसी प्रकार हम भी क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्य विशेषणों युक्त श्रुत ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, अनादि निधन, मिला लो ऊपर नीचे के विशेषण, आप एक एक भी विशेषण में अंतर नहीं है, अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान, चैतन्य सामान्य जिसकी महिमा है, तथा जो चेतक स्वभाव के द्वारा एकत्व होने से केवल यानी अकेला है, ऐसे आत्मा को आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण श्रुत केवली है। और ऊपर लिखा ना, हम भी, क्या लिखा, हम भी, और ये आत्मा को आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानने के कारण श्रुत केवली है। अगर द्वादशांग का पाठी यहां अर्थ होता, श्रुत केवली का मतलब द्वादशांग का पाठी अगर यहां अर्थ होता तो आचार्य भगवान ये क्यों लिखते हैं हम भी श्रुत केवली है, क्योंकि श्रुत केवली तो कुंद कुंद आचार्य के पहले हो चुके हो तो भद्रबाबू स्वामी, तो यहां वो अर्थ नहीं है, हर जगह हर चीज का अलग अलग अर्थ होता है। इसलिए अब क्या करें कि भाई देखो, जैसा आत्मा केवल ज्ञानी जानते हैं वैसे ही आत्मा हम जानते हैं, और आत्मा और जो सुख आएगा ना, वो सुख तो आत्मा को जानने से आएगा, केवल ज्ञानी को भी जो अनंत सुख प्रकट हुआ है वो आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानने के कारण प्रकट हुआ है। लोकालोक को जानने से सुख नहीं आता, लोकालोक का जानना तो केवल ज्ञान का बोनस है, वो तो जानने में आ जाता है। अब अपने में नहीं जानने में आता तो क्या फर्क पड़ता है, जो जैसा सुख केवली को प्रकट जानने में आता है ना, तो वैसा ही हम भी उसी जाति के सुख का अनुभव कर रहे हैं ना। हरे साहब उनके पास ज्यादा है तो दूसरों की थाली में मत झांको, तुम्हारी थाली में जितना पकवान पड़ा है उसका भक्षण करो, ख्याल में आएगा नहीं है, तो उनके पास तो अनंत सुख है, तो अनंत सुख है तो भी वो लोकालोक को जानने के कारण नहीं है, अनंत सुख आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानने के कारण है। और हमें भी जो सुख है, केवली आचार्य देव कहते हैं कि हमें भी जो सुख प्रकट हुआ है वो आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानने के कारण हुआ है, जैसा आत्मा केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान के द्वारा जाना है वैसा ही आत्मा हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते हैं, इसलिए वे आत्मा को जानने के कारण केवली हैं और हम आत्मा को जानने के कारण शुद्ध केवली हैं। तो हमें कोई ज्यादा जानने की आकांक्षा नहीं है, हमने आत्मा को जान लिया, पता है ना आत्मा को जान लिया, केवल ज्ञान तो दौड़ा हुआ आने वाला है, हम केवल ज्ञान के पीछे क्यों दौड़े, केवल ज्ञान दौड़ेगा हमारे पीछे क्या, हमें केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान को हमारी आवश्यकता है, इतना बल है आत्मा का, केवल ज्ञान आएगा आत्मा की पूजा करने, आत्मा नहीं जाता केवल ज्ञान की पूजा करने, आत्मा की आराधना से केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान की आराधना से केवल ज्ञान नहीं होता, ये कहने का मतलब है। तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुमने आत्मा को आत्मा से आत्मा में जान लिया ना, केवल ज्ञान आएगा। धवला में पाठ है, साधक का मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, क्या मतलब इसका, कि साधक का मति शुद्ध ज्ञान एक एक समय करके केवल ज्ञान के निकट, केवल ज्ञान के निकट, केवल ज्ञान के निकट जा रहा है, मतलब जितना जितना समय जा रहा है उसका वो केवल ज्ञान के निकट होता जा रहा है, मुक्ति के निकट हो रहा है ना, अज्ञानी निगोध के निकट हो रहा है और ज्ञानी मुक्ति के निकट हो रहा है। क्या जानने की आकांक्षा, बाहर का क्या जानना है कि जिसको जानने से मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, अरे आत्मा को जानना, जाना केवल ज्ञान तो आएगा। आचार्य कहते हमें तो ज्यादा जानने की आकांक्षा नहीं, हम तो क्षोभ नहीं करते उसका, लोकालोक नहीं जानने वाला, नहीं जानने वाला, हमारे सुख में क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे सुख में लोकालोक के नहीं जानने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लोकालोक को जानने से सुख आता है, बात पूरी होगी। केवली तो कुछ चाहते ही नहीं,
इच्छा ही नहीं होती उनको। मैंने कहा ना अभी लोकालोक को जानने में आना ये केवल ज्ञान के लिए बोनस है। जानते तो केवल ही अपनी आत्मा को हैं, लोकालोक जानने में आ जाता है, ऐसी ज्ञान की स्वच्छता है। उपयोग कहां देते, उपयोग किधर लगाए, केवल ज्ञानी का उपयोग किधर है? केवल ज्ञानी का उपयोग आत्मा में, केवल ज्ञानी का उपयोग लोकालोक में नहीं। और जिनका उपयोग लोकालोक में होता है उनको केवल ज्ञान होता ही नहीं। भव समुद्र सीमित कियो सीमुंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। बोलो ये विधि है। हम ज्ञान के विकास के लिए गेयों की तरफ दौड़ते हैं, ध्यान से सुनना बहुत मार्मिक बिंदु है। ज्ञान के विकास के लिए हम गेयों की ओर दौड़ते हैं, गेयों में से ज्ञान आएगा। तो जब हम ज्ञान के विकास के लिए गेयों की ओर दौड़ते हैं, माने गेयों से ज्ञान मानते हैं, उसमें ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अनादर होता है। और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अनादर होता है तो ज्ञान पर आवरण आता है, और आवरण आते 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 निगोद की दशा में पहुंच जाता है जीव। और जो गेयों का लक्ष्य छोड़ देता है कि गेयों से जब मेरा ज्ञान आता ही नहीं, लोकालोक से मुझे लोकालोक का ज्ञान नहीं होता, लोकालोक है इसलिए लोकालोक का ज्ञान नहीं होता, लोकालोक के कारण लोकालोक का ज्ञान नहीं होता। अभी सिद्ध करता हूं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो लोकालोक के कारण लोकालोक से मुझे ज्ञान होता ही नहीं, तो लोकालोक में अपना उपयोग क्यों लगाऊं और आत्मा में उपयोग लगाऊं? तो लोकालोक जानने में आए बिना रहता ही नहीं। तो सीधा काम करो ना कि आत्मा में उपयोग लगाया, लोकालोक की उपेक्षा कर दी, हो गया, आत्मा में उपयोग लगाया तो भगवान आत्मा का आदर हुआ, भगवान आत्मा का सम्मान हुआ, भगवान आत्मा की आराधना हुई, और आराधना के फल में केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो आराधना के फल में जो केवल ज्ञान प्रकट होता है उसमें पूरा लोकालोक जानने में आता है, और जो लोकालोक के जानने के चक्कर में रहता है उसको आत्मा के ज्ञान स्वभाव की विराधना होने से ज्ञान में आवरण आता है, और ज्ञान में आवरण आने से निगोद में चला जाता है। बोलो यह है विधि। लोकालोक के कारण ज्ञान होता है, लोकालोक के कारण ज्ञान होता है तो भूतकाल और भविष्यकाल का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकालोक में जो भी है वर्तमान है ना, भूतकाल तो बीत गया, भविष्यकाल अभी आया नहीं। अगर उस पदार्थ की विद्यमानता से ज्ञान होता हो तो भूतकाल की परियां तो गई और भविष्यकाल की परियां अभी आई नहीं है, और लोकालोक तीनों काल को जान रहा है। तो जैसे भूतकाल और भविष्यकाल की अविद्यमानता में भी ज्ञान उनकी विद्यमानता को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना। इससे इस बात की सिद्धि हुई कि वर्तमान में लोकालोक की विद्यमानता ज्ञान का कारण नहीं है, ज्ञान की योग्यता ज्ञान का कारण है। उस ज्ञान पर्याय में वो जानने की योग्यता है, लोकालोक है इसलिए लोकालोक का ज्ञान हुआ, कहते बिल्कुल झूठ बात है, न्याय है। देखो परीक्षा मुख सूत्र में यह विषय आया बहुत जोरदार, न्याय का शास्त्र है कि जैन दर्शन ज्ञेय से ज्ञान नहीं मानता, ज्ञान का निमित्त ज्ञेय होता है लेकिन ज्ञान का कारक नहीं होता। ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति मानने वाला बौद्ध दर्शन है। तो फिर बौद्धों ने प्रश्न किया कि अगर आप ज्ञेयों से ज्ञान नहीं मानते, हम तो सीधा है कि जो सामने ज्ञेय होगा हम उसको जान लेंगे, तो आपके यहां जब ज्ञान ज्ञेय से आप लोग ज्ञान नहीं मानते हो तो यह बताओ आपके यहां ज्ञान होता कैसे है? इस ज्ञान पर्याय में यह पदार्थ जानने में आएगा, इसका नियामक कौन है? हमारे यहां तो यह कि पदार्थ सामने होगा और हम जान लेंगे, तुम पदार्थ को ज्ञान का कारण नहीं मानते हो तो इसका नियामक कौन है? तो उन्होंने लिया कि स्वावरण योग्यता, मतलब उस ज्ञान पर्याय की स्वयं के जानने की योग्यता से ही वो ज्ञान होता है। और योग वो जो सूत्र है ना योग्यताई शरणम, वो योग्यताई शरणम वो परीक्षा मुख सूत्र का सूत्र है। गहराई से विचार करें थोड़ा सा, ख्याल में आएगी नहीं, जिनागम है, जितनी गहराई में इसमें अपन उतरे उतने उतने मतलब एक एक चीज में कितना कितनी स्वाधीनता है। गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों का ज्ञान नहीं, तीन सूत्र है। क्या कहा? तीन सूत्र कौन कौन से? गेयों में ज्ञान नहीं,
गे से ज्ञान नहीं और गे का ज्ञान नहीं, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा से ज्ञान है, अरे आत्मा का ज्ञान है। पर संबंधी ज्ञान वो भी आत्मा का ज्ञान है, पर का किधर ज्ञान है, वो ज्ञान पर में जाता है हा? ये है वस्तु व्यवस्था। और गजब की बात देखो आप, एक और न्याय इसमें, एक और गुरुदेव श्री ने निकाला वस्तु विज्ञान सार पुस्तक में, ये गुरुदेव श्री का एक बहुत अच्छा न्याय उसमें दिया उन्होंने कि देखो मतलब क्रमबद्ध पर्याय कैसी बढ़िया तरीके से उन्होंने सिद्ध किया। वो क्या देखो, केवल ज्ञान में लोकालोक में केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित पदार्थ जानने में आता है, कहां आता है? तो जैसा ज्ञान में जानने में आया ठीक वैसा ही निमित्त सामने होता है। होता है नरेंद्र जी, होता है कि नहीं होता है? बराबर ठीक, जैसा जानने में आया ठीक वैसा ही निमित्त होगा, उससे विरुद्ध तो नहीं होगा, निमित्त अनुकूल होता है, यह पहले भी बताया था ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित प्रत्येक पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पदार्थ भले ही उसकी वर्तमान पर्याय प्रकट रूप तो वर्तमान पर्याय होती है, लेकिन केवल ज्ञान के लिए वो पदार्थ हर समय त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित निमित्त हो रहा है। जो भूतकाल की है वो योग्यता रूप, जो भविष्य काल की है वो शक्ति रूप, और वर्तमान की प्रकट रूप। इस प्रकार त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित प्रत्येक पदार्थ केवल ज्ञान में निमित्त है। अरे जब एक साधारण व्यक्ति के सामने भी कोई झूठ नहीं बोलता, केवल ज्ञानी परमात्मा के सामने झूठ बोल देगा पता कि नहीं नहीं मेरी ये पर्याय आपके ज्ञान में जल की है, लेकिन भगवान इसमें एक कंडीशन है कि देखो कोई दूसरा आ गया और वो बदलना चाहेगा तो मैं रोकूंगा नहीं उसे, ये चलेगी, इस तरह की शर्त है ना। ये व्यवस्था है ज्ञान और ज्ञेय की, ख्याल में आ गया। ये इस गाथा में बहुत अच्छे से आचार्य देव ने कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने इस बात को यहां पर लिया ठीक है। अब इसके बाद बस ये हो गया, इसने बहुत बढ़िया लिया। देखो इसमें ले लो, इसमें एक इसका भावार्थ भी पढ़ो, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार भावार्थ इसी का गाथा का, 33 गाथा का ही भावार्थ पढ़ो कि भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं, मात्र इसलिए ही वे केवल ही नहीं है, नहीं कहलाते। मैंने भगवान नहीं जानते हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको केवल ही संज्ञा क्यों मिली? समस्त पदार्थों को जानते हैं इसलिए ही केवल ही नहीं है। देखो समय सार में सर्वज्ञत्व शक्ति की व्याख्या करी आचार्य देव ने, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, लोकालोकमयी की सर्वज्ञत्व शक्ति ली नहीं वहां पर, आत्मज्ञानमयी लोकालोक का ज्ञान है, वो भी सचमुच में लोकालोक का ज्ञान भी वो आत्मा का ही ज्ञान है, लोकालोक संबंधी है, गयाकार के ज्ञानाकार है, ज्ञान की पर्याय गयाकार के ज्ञानाकार है, तो वास्तव में तो ज्ञानाकार है। गयाकार क्यों बोलते हैं? गेय की सापेक्षता से उसे गयाकार नाम दिया जाता है, गेय की सापेक्षता से उस पर्याय को पर्याय से देखो आप, वो ज्ञानाकार है, गयाकार रूप ज्ञानाकार ही है वो। ऐसे यहां पर कहते हैं भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं, मात्र इसलिए ही वे केवली नहीं कहलाते, किंतु केवल अर्थात शुद्ध आत्मा को जानने अनुभव करने से केवली कहलाते हैं। कितना स्पष्ट है, अमृतचंद्र आचार्य की कठिन भाषा समझ में नहीं आवे किसी को तो ये सरल भाषा में भावार्थ है। देखो केवल यानी शुद्ध आत्मा के जानने अनुभव करने वाला श्रुत ज्ञानी भी श्रुत केवली कहलाता है। अब बताओ इसमें कौन आया? चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक के जितने ज्ञानी हैं वो श्रुत केवली में आए कि नहीं आए, बोलो। अंतरात्मा मध्यम उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा, यानी जो तीनों प्रकार के अंतरात्मा है, ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा शुद्ध केवली में आए। तीनों शिवमग चारी,
अब फर्क क्या है, एक एक एरोप्लेन से जा रहा है ना, एक मोदी जी की कौन सी हो ब्लू है बुलेट ट्रेन से जा रहा है, समझ में आ गया, और एक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा है, फर्क इतना है। माने गति का फर्क है, मार्ग का फर्क नहीं है। एरोप्लेन से जा रहा है 2 घंटे में पहुंच जाएगा, बुलेट ट्रेन से जा रहा है 6 घंटे में पहुंचेगा, मोटरसाइकिल वाला 12-15 घंटे में पहुंचेगा, लेकिन दिशा तो वही है। राजू भाई समझ में आया कि नहीं, ये व्यवस्था है। वो तो तुम्हारे साधनों की बात है ना, तुम्हारे पास एरोप्लेन की व्यवस्था, तुम एरोप्लेन से जा रहे हो, उसके पास बुलेट ट्रेन की व्यवस्था, उससे जा रहा है नहीं है तो मोटरसाइकिल से जा रहा है, अरे नहीं है किसी के पास साइकिल से जा रहा है, वो भी नहीं है पैदल जा रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मार्ग कौन सा है, मार्ग तो वही है ना, रास्ता तो वही है ना, जा तो सभी एक ही रास्ते पर है ना, है कि नहीं। तो वो ये कह रहे हैं, अनुभव करने के कारण करने वाले श्रुत ज्ञानी भी, श्रुत ज्ञानी भी श्रुत केवली कहलाता है। केवली और श्रुत केवली में इतना मात्र अंतर है कि जिसमें चैतन्य के समस्त विशेष एक ही साथ परिणमित होते हैं, माने ज्ञान परिणमित हो गया पूरा, दर्शन पूरा परिणमित हो गया, श्रद्धा पूरी परिणमित हो गई, चारित्र पूरा परिणमित हो गया, वीर्य पूरा परिणमित हो गया, यानी सबकी पूर्णता हो गई। और श्रुत ज्ञानी में श्रद्धा पूरी हुई, अभी ज्ञान में अपूर्णता है, माने केवल ज्ञान नहीं है, चारित्र में अपूर्णता है, माने यथा क्या चारित्र नहीं है, सुख में अपूर्णता है, माने पूर्ण अतीन्द्रिय सुख नहीं है, है ना, और वीर्य में अपूर्णता है, माने अनंत वीर्य नहीं है। इतना ये अंतर है बस, आत्मा के जानने में का अंतर है। ये आ गया, परिणमित हो ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा केवली केवल आत्मा का अनुभव करते हैं, जिस और जिसमें चैतन्य के कुछ विशेष क्रमशः परिणमित होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञान के द्वारा श्रुत केवली केवल आत्मा का अनुभव करते हैं। अर्थात केवली सूर्य के समान केवल ज्ञान द्वारा, अभी अपन ने जो उदाहरण दिया था, करोड़पति पिता का बेटा एसी रूम में मरकरी बल्ब के प्रकाश में पुस्तक पढ़ता है, और गरीब का बेटा रोड लाइट के नीचे बैठ करके पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक किस में पढ़ रहा है, कैसे साधनों में पढ़ रहा है, साधनों का अंतर है, पुस्तक का अंतर नहीं है, बस इतना है। तो यहां उदाहरण दिया कि केवली सूर्य के समान केवल ज्ञान द्वारा आत्मा को देखते और अनुभव करते हैं, तथा श्रुत केवली दीपक के समान श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखते और अनुभव करते हैं। इस प्रकार केवली और श्रुत केवली के केवली और श्रुत केवली में स्वरूप स्थिरता की तारतम्यता भेद ही मुख्य है। क्या कहा, स्वरूप स्थिरता, माने केवली भगवान को पूर्ण स्वरूप स्थिरता हो गई, और चौथे गुणस्थान से लगा करके 12वें गुणस्थान तक वालों को स्वरूप स्थिरता में अभी कमी है। चौथे गुणस्थान वाला स्वरूप स्थिरता की जगन्य श्रेणी में चल रहा है, 5वें गुणस्थान वाले को उससे स्वरूप स्थिरता की श्रेणी बढ़ी है, 6वें-7वें गुणस्थान वाले को उससे श्रेणी बढ़ी है, श्रेणी में उससे श्रेणी बढ़ी है, और 12वें गुणस्थान में स्वरूप स्थिरता की श्रेणी इतनी बढ़ गई है कि अगले समय में केवल ज्ञान लेंगे। स्वरूप स्थिरता की कमी है, स्वरूप स्थिरता की हीना दिखता है ना। अब स्वरूप स्थिरता की हीना दिखता में ज्ञान कहां प्रभावित हुआ, ये बताओ, कि जिससे हम ये कहें कि आचार्यों के तो प्रमाण है और पंडितों के प्रमाण नहीं है, या आचार्यों की बात तो सही है और पंडितों की बात सही नहीं है, ज्ञानी पंडितों की बात कर रहा हूं मैं, नामदारियों की नहीं, नाम सबके लग जाते हैं ना, अपन लोगों के भी नाम लगे तो वो कोई अपन को थोड़ी, मतलब ज्ञानी पंडितों की बात है। अब किधर है स्वरूप स्थिरता की, तो स्वरूप स्थिरता की वजह से देशरा में क्या फर्क पड़ा, स्वरूप स्थिरता कम है तो वो कम आनंद भोगेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ा हमको, उनको कम आनंद आ रहा है और मुनिराज को ज्यादा आनंद आ रहा है, तो मुनिराज का आनंद भी हमें मिलने वाला नहीं, ख्याल में आया, मुनिराज का आनंद ज्यादा आ रहा है तो मुनिराज का आनंद भी हमें मिलने वाला नहीं, चौथे गुणस्थान वाले को आनंद कम है तो भी हमें मिलने वाला नहीं, हमें तो उनकी जो देशना मिलेगी, हमें उनसे क्या मिलता है,
हमें उनसे देशना मिलती है, चाहे तीर्थंकर भगवान हो, चाहे गणधर भगवान हो, चाहे आचार्य भगवान हो, चाहे उपाध्याय भगवान हो, चाहे साधु भगवान हो, चाहे सम्य दृष्टि श्रावक हो, चाहे सम्य दृष्टि अविरति हो, हमें इनसे सिर्फ देशना मिलती है। उनके आनंद में कम और ज्यादा है, तो जिनको ज्यादा आनंद है वो ज्यादा आनंद भोगे, जिनको कम आनंद है वो कम आनंद भोगे, उसमें हमें क्या तकलीफ है, उसमें ख्याल में आएगा नहीं, हमें तो उनकी देशना से मतलब है ना। ये तार्थ ये कितना बढ़िया लिखा कि केवली तथा शुद्ध केवली में स्वरूप स्थिरता की तारतम्यता माने हीना दिखता का भेद ही मुख्य है। कम बड़ माने कम या ज्यादा पदार्थ जानने रूप भेद अत्यंत गौण है। क्या मतलब कि लोकालोक को जानते हैं, ये लोकालोक को नहीं जानते, कि वो भेद मुख्य है ही नहीं है। इसलिए अधिक जानने की इच्छा का क्षोभ छोड़कर स्वरूप में ही निश्चल रहना योग्य है। कि क्यों रहना योग्य है कि केवल ज्ञान प्राप्ति का यही उपाय है। बोलो अभी कितना बढ़िया एकदम कितना मार्मिक स्पष्टीकरण है, बोलो कितना स्पष्ट विषय है। इसलिए वास्तव में स्वयं जिनवाणी का अवगाहन करके अपने को वस्तु स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा, वो गजब का है। विषय ये है, मैंने ये तो आज वो खाली एक प्रकरण आया ना, जिनवर वृषभ, तो उसके संदर्भ में मैंने आपके सामने ये इतनी चर्चा रखी कि देखो, अरे ऐसी बहुत है। आप षटखंडागम कभी अपन लेंगे चर्चा में, षटखंडागम भी निकाल लेंगे पहली पुस्तक धवला, तो धवला में भी ये प्रकरण उठाया है। अब धवला से ज्यादा सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ, समय सार से भी पहले, षटखंडागम सुतपंचमी मनाते हैं ना अपन लोग, तो काय की सुतपंचमी मनाते हैं अपन, किसकी मनाते हैं, वो सुत षटखंडागम पूरे हुए थे उस दिन, माने जिनवाणी का लिखने का पहली बार जब काम हुआ इस युग में और वो पूरा हुआ, वो दिन सुतपंचमी का पर्व है। और उस दिन जिस दिन चतुर्विध संघ ने माने षटखंडागम की रचना पुष्पदंत भूतबलि महाराज ने पूरी की, तो चतुर्विध संघ ने अंकलेश्वर में उस षटखंडागम ग्रंथ की मिलकर के पूजा की थी। मुनिराज ने भाव पूजा और श्रावकों ने द्रव्य पूजा, हम उसके उपलक्ष्य मनाते हैं। और उस षटखंडागम में यह प्रकरण आया है, हाँ यह आया पूरा का पूरा, मैंने अभी बताया ना आप तो वाला जो प्रकरण बताया आपको कि रत्नत्रय की पूर्णता में अगर आप तो पना मानोगे, एक देश में आप तो पना नहीं मानोगे। उन्होंने कहा जिसके एक देश में जो नहीं होता उसके पूर्णता में भी वो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, उसकी पूर्णता में पूर्ण आप्तपना है, तो उसकी एक देशता में एक देश आप्तपना है, और एक देश आप्तपना नहीं होवे तो देशना लब्धि का निमित्त नहीं हो सकता। हो एक सिद्धांत देखो, ये बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार, और बीच में से एक ईंट हटाओ आप तो एक ईंट नहीं हटेगी अकेली, हटा के देखो, समझ आएगी नहीं। एक सिद्धांत का अपलाप करो, एक सिद्धांत का, तो जैन दर्शन का कोई सिद्धांत नहीं टिकेगा। और सबसे बड़ी बात, रत्नकर्ण श्राव का चार में क्या लिखा कि पूर्वा पर विरोध रहित होना चाहिए। एक तरफ आप कहो कि तीनों शिव मल्लचारी और फिर उनमें डिवीजन करो कि ये प्रामाणिक और ये अप्रामाणिक, इनकी सुनना और इनकी नहीं सुनना, इनका 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 लिखा हुआ ठीक है, इनका लिखा हुआ ठीक नहीं है, ये नहीं चल सकता। क्योंकि अगर तीनों शिवमग्चारी हैं आप ये मानते हो, और ये नहीं नहीं ये तो पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, पंडित जी की बात है हम नहीं मानेंगे, कि लो आचार्य की संबंधभद्र आचार्य का रत्नकंठ श्राव का चार क्या लिखा मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है, लिखा ग्रस्तो मोक्ष मार्ग ग्रस्तो, ये शब्द है कि नहीं, ग्रस्तो मोक्ष मार्ग ग्रस्तो, ग्रस्त मोक्ष क्यों 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 कह रहे हो ऐसा, कि वो ग्रस्त निर्मोही माने दर्शन मोह उसका नाश हुआ है ना,
वो मोक्ष मार्गी है। आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं मोक्ष मार्गी है। ये जो सट ये जो छड़ा लगी लाइन है ना, प्रथम नरक बिन सटमु ज्योतिष वान भवन सन नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, है ना। ये कौन सी जगह का पद्यानुवाद है पता है? ये सट खंडागम के अंदर ये पूरा विषय आया, और सट खंडागम में इन इन गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जीव का गमन नहीं होता। पंडित दौलत राम जी ने पूरा का पूरा वो उस अंश का पद्यानुवाद करके छह डाला में डाल दिया। छह डाला की पहली डाल कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की संसार भावना है, खोल के पढ़ो। हाँ, संसार भावना जो वर्णन किया ना चार गति के दुखों का, जिस तरह का वर्णन किया बिल्कुल वो की वो शैली कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ली। और कार्तिकेय स्वामी भी कुंद आचार्य से पहले हुए हैं, ये और विचार करना। अरे कोई ज्ञानी हो भाई, सारे ज्ञानी सिर माथे पे होना, उनकी वाणी है। देखो कितना बढ़िया आचार्य ने लिया। वो इस प्रकरण में चर्चा आई अपनी जिनवर वसहेणा, इस एक प्रकरण इस पर अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा बाद में है।